अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एरियल रूट्स। ठीक है, तो एरियल रूट्स जो है ये इनको एयर के साथ एक्सपोज करवाना होता है। ठीक है ना, मतलब कि ये सॉइल से बाहर ग्रो करती हैं और मेन फंक्शन होता है कि इन रूट्स को हम एयर के साथ एक्सपोज करवाएं। तो बेसिकली दो काइंड्स हैं एरियल रूट की, एक है क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट और एक है अब्सॉर्बिंग रूट। टू टाइप्स हैं एरियल रूट की, क्लिंगिंग और दूसरा है क्लाइंबिंग रूट। ठीक है, और एक है हमारे पास अब्सॉर्बिंग रूट। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट की, तो स्टेम के अंदर ना न्यूमरस छोटे छोटे एडवेंटिटियस रूट्स डेवलप हो रहते हैं जो कॉन्टैक्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। स्टेम डेवलप न्यूमरस शॉर्ट एडवेंटिटियस रूट्स, तो छोटे छोटे एडवेंटिटियस रूट्स डेवलप कर लेती है स्टेम, जो के ये रूट्स जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी ये जो होते हैं हमारे पास रूट्स जो होते हैं, क्या करते हैं, ये सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट होते हैं। जब भी किसी सूटेबल चीज़ को टच करेंगे ना, तो ये इसको ग्रैब कर लेंगे और उसके बाद उसके साथ चिपक जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी ये जो सेंसिटिव टू कॉन्टैक्ट रहते हैं, टच करते हैं सपोर्ट को, तो ये क्या करेंगे, ये उसके साथ स्टिक हो जाते हैं उस सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर्म अटैचमेंट हो जाती है इनकी सपोर्ट के साथ। दिस स्टिकनेस इंश्योर दी फिर्म अटैचमेंट ऑफ दिस क्लाइंबिंग रूट टू दी सपोर्ट। ठीक है, तो इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो एक है ईवी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेडेरा हेलिक्स। ठीक है, और दूसरी इसकी एग्जांपल है हमारे पास लॉन्ग पिपर, जिसका साइंटिफिक नेम है पिपर लॉन्गम। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अब्सॉर्बिंग रूट। अब्सॉर्बिंग रूट क्या होते हैं कि ये लॉन्ग एडवेंटिटियस रूट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। ठीक है ना, दीज अब्सॉर्बिंग रूट ग्रो ऑन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दरख्तों के ऊपर ये ग्रो करते हैं। ठीक है ना, उसके साथ हैंग फ्रीली हैंग कर जाते हैं दरख्तों के ऊपर और वहाँ से मॉइस्चर वगैरह अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, तो हैंग फ्रीली ऑन ट्रीज एंड अब्सॉर्ब मॉइस्चर, और वहाँ से मॉइस्चर वगैरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात, जो अब्सॉर्बिंग रूट होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास नॉन पैराजिटिक, मतलब ये किसी भी किस्म का इनके अंदर हस्टोरिया नहीं होता, किसी भी किस्म का ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले, ये अपने न्यूट्रिएंट्स खुद तैयार करते हैं और प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑर्किड्स। क्लियर, तो आई होप सो कि आपको एरियल रूट्स और उनकी टाइप्स की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।